कृपया वो अपने वचनों से सभी संगत को निहाल करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, पंजाब के सपूत श्रीमान विजय सांपला जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बहन रीता बहुगुणा जोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, पूज्य श्रद्धेय संत निरंजन दास जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से से आज इस पवित्र दिवस पर यहां पधारे हुए मेरे सभी प्यारे भक्तजन भाई और बहनों, श्री गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को और दुनिया भर में फैले उनके सभी अनुयायियों समेत हर देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि गुरु रविदास की कृपा, उनके आशीर्वाद से मैं अपना वादा निभाने आप सभी के बीच फिर से आया हूं। साल 2016 में आज ही के पवित्र दिवस पर मुझे यहां मत्था टेकने और लंगर छकने का अवसर मिला था। तब मैंने इस पूरे प्रांगण और गुरु के जन्म स्थान के सुंदरीकरण और उसको विकसित करने की बात आप सबको कही थी। उसके बाद जब यूपी में योगी जी की अगुवाई में सरकार बनी तो मैंने उनसे एक व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया था। मुझे प्रसन्नता है कि जिसकी मांग आप दशकों से कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता यहां महसूस हो रही थी, सरकारें आती गई, बातें करती गई, लेकिन आपकी आशा कभी पूरी नहीं हुई। उसको पूरा करने की तरफ आज एक मंगल कार्य का आरंभ हुआ है, शुभ शुरुआत हुई है। सभी भक्तजन, पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा, गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी, एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। साथियों, संत रविदास जी की जन्मस्थली
करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल तो है ही, और यहां के सांसद के नाते, आपके प्रतिनिधित्व के नाते मेरा यह सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती की सेवा करने का कुछ मुझे भी सौभाग्य मिला है। भारत के सामाजिक जीवन को दिशा देने और प्रेरित करने वाली ये भूमि है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास, और विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, यही सुनिश्चित करने में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जुटी हुई। अब से कुछ देर बाद ही मैं बनारस में 2 कैंसर अस्पतालों सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए भी जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त वाराणसी और पूर्वांचल का जीवन आसान बनाने वाली दूसरी अनेक परियोजनाएं भी आज से शुरू हो रही है। इन सभी सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का हर कदम, हर योजना पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना के अनुकूल है। गरीब परिवारों को पक्के घर, हर घर को अपना शौचालय, हर परिवार को उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को बिना गारंटी बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण, किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, और अब देश के लगभग 12 करोड़ गरीब किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सीधी मदद, और ये तो अभी शुरुआत है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं, जो हमेशा से उपेक्षित रहे, वंचित रहे। गुरुदेव कहा करते थे, ना कोई जात ना कोई वर्ग
ना कोई संप्रदाय किसी भी भेद से ऊपर, एक इंसान के नाते सभी को इन योजनाओं का एक जैसा लाभ मिले, और मुझे संतोष है कि मिल रहा है। साथियों, पूज्य संत रविदास जी इसी प्रकार का समाज चाहते थे जहां जाति और वर्ग के आधार पर समाज में कोई भेद ना हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके तब तक जाति न जात, जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं, जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे, सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी, सामाजिक एकता संभव नहीं होगी, समाज में समता नहीं आएगी। साथियों, गुरु के दिखाए इस रास्ते पर अगर पूरी ईमानदारी के साथ हम चलते तो आज का भारत जातियों के नाम पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। भाइयों और बहनों, नया भारत इस स्थिति को बदलने वाला है। हमारे नौजवान साथी जो डिजिटल इंडिया के दौर में, तकनीक के युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, हम सभी इस स्थिति को बदलने वाले हैं। हमें उन लोगों के स्वार्थ को पहचानना होगा जो सिर्फ अपना दाना पानी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जात पात को उभारते रहते हैं। साथियों, एक और बुराई की तरफ गुरु ने हमारा ध्यान दिलाया है, जिसके कारण हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। ये बुराई है बेईमानी की, दूसरों के हक को मारकर अपना हित साधने की। गुरु जी ने कहा था, श्रम कौ ईसर जानी कई, श्रम कौ ईसर जानी कई, जऊ पूज ही दीन रैन। यानी सच्चा श्रम ही ईश्वर का रूप होता है। ईमानदारी से जो काम किया जाता है, उसकी कमाई से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। गुरु जी की इस भावना को बीते 4.5 वर्ष में हमारे राजनीतिक और सामाजिक संस्कारों में ढालने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। नोटबंदी हो, बेनामी संपत्ति के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई हो, या फिर काले धन की प्रवृत्ति के खिलाफ सख्ती से उस प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास है जिसको व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया था। भारत में ये सब चलता है। इस तरह की मानसिकता घर कर गई थी। साथियों,
संत रविदास जी के आशीर्वाद से नए भारत में बेईमानी के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। जो ईमानदारी से अपने श्रम से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार हर स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी मिलेगी। हाल में आप सभी ने देखा होगा कि जो ईमानदारी से कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे करोड़ों मध्यम वर्ग के साथियों की 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय से टैक्स हटा दिया गया है। एक तरफ जनता का पैसा लूटने वालों को सजा दी जा रही है, दूसरी तरफ ईमानदारी का सम्मान भी किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हम सभी भाग्यशाली हैं जिनको गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का मार्गदर्शन मिला है। गुरुओं का ये ज्ञान, ये महान परंपरा ऐसे ही हमारी पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही मगहर में संत कबीर जी से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखने में खुद गया था। इसी तरह सारनाथ में भगवान बुद्ध से जुड़े संस्कारों को, पवित्र स्थानों को संरक्षित किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। इसी प्रकार हम गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोहों को पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर मना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, उसको पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार, भारत सरकार और राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह समर्पित है। हमारी ये समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हमारी शक्ति है, हमारी प्रेरणा है। आपका जीवन आसान हो, इसके लिए गुरु रविदास जी के दिखाए रास्ते को हम और सशक्त करने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी को पूज्य गुरु रविदास जी की जयंती, जन्मस्थली के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।